मैं इस वक्त भारत से बहुत दूर हूं और उस चांद से भी जहां भारत पहुंचने वाला है, लेकिन मैं जिस चांद की बात करने जा रहा हूं वहां गड्ढे ज्यादा हैं और वो किसी की मुट्ठी में बंद हो गया है। दुनिया भर में सूरज की आग में तपते लोकतंत्र को चांद की ठंडक तो चाहिए। ये ठंडक आएगी कहां से? सूचनाओं की वास्तविकता से, प्रामाणिकता से और पवित्रता से और साहस से, ना कि नेताओं की ऊंची आवाज से। सूचना जितनी पवित्र होगी, प्रामाणिक होगी, नागरिकों के बीच भरोसा उतना ही गहरा होगा। देश सही सूचनाओं से बनता है। फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा और झूठे इतिहास से हमेशा भीड़ बनती है। रैमन मैग्सेसे फाउंडेशन का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे हिंदी में बोलने का मौका दिया, वरना मेरी माँ और भाभी नहीं समझ पाती कि मैं क्या बोल रहा हूँ। 2 महीने पहले जब मैं प्राइम टाइम की तैयारी में डूबा हुआ था, तभी सेलफोन बजता है। कॉलर आईडी पर फिलीपींस लिखा हुआ था। मुझे लगा किसी ट्रोल ने फोन किया है। यहाँ के नंबर से मुझे बहुत ट्रोल किया जाता है। अगर वो लोग वाकई यहाँ रहते हैं तो उनका इस हॉल में भी स्वागत है। मैं आ गया हूं। फिलीपींस का नंबर उठाने के बाद जब मैंने अपने सहयोगियों से कहा कि अब मैं आपको एक ट्रोल की भाषा सुनाता हूं, और मैंने फोन को स्पीकर फोन पे ऑन कर दिया, लेकिन अच्छी सी अंग्रेजी में एक महिला की आवाज आई, मे आई प्लीज स्पीक टू मिस्टर रवीश कुमार। हजारों ट्रोल में आज तक एक भी महिला की आवाज नहीं आई थी। मैंने फोन को तुरंत ही स्पीकर फोन से हटा लिया। उसी तरह से, उस तरफ से आ रही आवाज मुझसे पूछ रही थी कि मुझे इस साल का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, क्या मैं स्वीकार करता हूं? मैंने स्वीकार किया और यहां पर हूं। मैं यहां नहीं आया हूं, मेरे साथ पूरी हिंदी पत्रकारिता आई है, जिसकी हालत इन दिनों बेहद शर्मनाक है। गणेश शंकर विद्यार्थी और पीर मुनीस मोहम्मद की साहस वाली पत्रकारिता आज डरी हुई है, दब्बू हो गई है। अब मैं अपने विषय पर आता हूं कि पावर ऑफ सिटीजन जर्नलिज्म, जिस पे मुझे बोलना है। ये समय नागरिक होने के इम्तहान का समय है, नागरिकता को फिर से समझने का समय है और उसके लिए लड़ने का समय है। ये जानते हुए कि इस समय में नागरिकता पर चौतरफा हमला हो रहा है और सत्ता की निगरानी और नियंत्रण बढ़ता जा रहा है, एक व्यक्ति और एक समूह के तौर पर जो इस हमले को खुद को बचा लेगा और इस लड़ाई में माँच लेगा, वही नागरिक भविष्य को बेहतर समाज और सरकार की बुनियाद रखेगा। दुनिया ऐसे नागरिकों के जिद से भरी हुई है। नफरत के माहौल और सूचनाओं के सूखे में कोई है जो इस रेगिस्तान में कैक्टस के फूल की तरह खिला हुआ है? रेत में खड़े पेड़ कभी ये नहीं सोचते कि उनके होने का मतलब क्या है। जहां कहीं भी वो दूसरों के लिए खड़ा होता है ताकि दूर से दिख जाए कि यहां भी हरियाली हो सकती है।